नवाज शरीफ साहब, आपने पट्टी बांधी हुई है वोट को इज्जत दो, क्या सोचते हैं कि इस पार्लियामेंट के अंदर से भी कोई रोल बन सकता है मियाँ साहब को? मेरा ज़ाती ख्याल है कि उनको बेल मिलनी चाहिए जब तक केस कंक्लूड होते हैं, मुझे लीगल प्रोसेस नहीं आते, वो आप लोगों को पता जी होगा। होना चाहिए ना जी, उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, और ख़ास तौर पे अब जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो तमाम कानूनी जो ब्लैक होल्स थे नैब के केस में, अब वो खुलकर सामने आ गए हैं कि भाई अगर आपने इस बात पर सजा दी है कि असासे जो आमदन से ज़्यादा हैं, ना असासों का तयन किया ना आमदन का तयन किया, और सज़ा दे दी 10 साल की, करप्शन के चार्जेस से एक्विट लिटरली किया गया, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने पेज 171 पे कि ये क्विट किया जा रहा है। अब अगर इशू है असासों का और आमदन का रह गया तो उसका तयन तो करें ना, ये कह देना कि जी इस बुनियाद जिस चीज का तयन नहीं किया उसकी बुनियाद पर सदाकत एक साहब, शख्स को जेल में डाल आदमी दिया, ये हुकूमत कैसे है सर, ये इंतजार है? वही कानून है जो इनके दौर में रहा है, और वो बड़ा वाजे कहता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर अपनी किसी एसेट को डिक्लेयर और अपने एसेट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं, हैं। पर ये उसको क्वांटिफाई तो कर एक ले मिनट ना, प्लीज प्लीज क्वांटिफाई किया ही प्लीज नहीं है। ये ऑनेस ऑफ द प्रूफ इज ऑन द एक्यूज नॉट ऑन द प्रोसिक्यूशन। एसेट्स बियॉन्ड बियॉन्ड मीन जो है मीन वो जो है वो करप्शन में आता है, करप्शन में आता है, और ठीक है, ये कानून इस पे ये 5 साल बैठे रहे, इन्होंने कुछ तो ना कुछ क्वांटिफाई